बेटे हो या बेटियां, दोनों ईश्वर की संतानें हैं। बेटों से ही है हमारा वंश, ये सोच तो पुरानी है। वंश पढ़ाने के लिए बेटियां भी उतनी ही जरूरी। पति पत्नी के संगम से ही तो ये रीति होती है पूरी। पढ़ाई, कारोबार, स्पोर्ट्स इत्यादि में बेटियों ने किया उमदा प्रदर्शन। गृहिणी बन करके भी तो बेटियों ने किया अपने कुल का नाम रोशन। सभी क्षेत्र और कलाओं में निपुण आगे बढ़ती है ये बेटियां। कुल का गौरव, देश की शान, हमारा मान, देश के बेटे और बेटियां। बिल्कुल नहीं कहती मैं कि बेटों को दीजिए कम अधिकार। अधिकार प्यार और सम्मान के बेटे और बेटी है समान हकदार। क्या बेटियों ने कहा माँ बाप से दहेज देने के लिए? क्या बेटियों ने जिद की उनकी शादी कराने के लिए? जन्म लेने से पहले या उसके बाद? आखिर कैसे हो जाता है ये सितम? जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी लक्ष्मी को कैसे मार देता है ये समाज बेरहम? बहुएं बन कर भी पराए घर को अपनाती हैं बेटियां, फिर भी अपने पराए का दुख कितना झेलती हैं हमारी बेटियां। बहू और बेटी में ये अंतर क्यों? जब लहू का रंग होता है एक, है बस सोच, रिश्ते और जज्बात में अंतर। बेटियां तो बहुएं भी होती हैं बारंबार। तेजाब से हमला, बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, गंदा छुअन, महिलाओं पर हुआ क्या क्या अत्याचार, चूल्हा चौका, अल्प शिक्षा, बेटियों ने सहा आर्थिक रूप से मार। कम मौके मिलने के बावजूद भी बेटियों ने दिखाई कसब की क्रांति। बेटियां सिर का दर्द नहीं बल्कि होती है मन की शांति। आत्मज्ञान, ऊंची शिक्षा, कलाओं में समान अवसर और आर्थिक परिपूर्णता करता है बेटियों का उद्धार। ना दहेज लो ना दहेज दो, और दहेज लिया तो लौटा दो, इस नारे से गूंजता सारा संसार। अगर बेटे होते भाग्य से तो बेटियां होती हैं सौभाग्य से। बेटे और बेटियां तो बराबर हैं, कोई भी कम नहीं, यही दिल कहता बड़े गर्व और भाग्य से।